नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मोस्ट पॉपुलर चैनल सौरभाई कैंपस पे। दोस्तों आज हम लोग पाइथन के प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो भी प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे उन सब का प्रैक्टिकल देखेंगे यहाँ पे और एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पाइथन को। मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे जो मोड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कौन सा है, स्क्रिप्ट मोड है। कौन सा है? स्क्रिप्ट मोड है। और जो मैं IDE इस्तेमाल कर रहा हूँ वो क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको हम लोग VS कोड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने जा रहे हैं और फिर वहां पे पाइथन के प्रोग्रामिंग को रन करेंगे। दोस्तों आइए, मैंने कुछ प्रोग्राम्स पहले बनाए हुए हैं और मैं उसी प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने राइट क्लिक किया ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। दोस्तों हम लोगों ने कोई भी प्रोग्रामिंग अभी तक प्रैक्टिकल नहीं देखी है, आइए एक एक करके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक एक करके चीजों को काम करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए हमारे सामने VS कोड इंस्टॉल हो रहा है, ओपन हो रहा है और कुछ देर वेट किया हमने और हमारे सामने ये विजुअल स्टूडियो कोड दोस्तों ओपन होके आ गया है। इसकी बात भी हम करेंगे, इसको मैं करूंगा कुछ देर के लिए। दोस्तों अभी मैं इसको कुछ आइए देखिए, दोस्तों हमारे पास VS कोड ओपन हो गया है। जैसे आप लोग सी लैंग्वेज को पढ़े होंगे, अगर आप प्रोग्रामिंग कभी भी पढ़े हो या आप IT फील्ड से बिलोंग करते हो तो सी प्रोग्रामिंग को जानते होंगे और थोड़ा बहुत भी आप वहां पर पढ़े होंगे। दोस्तों तो आप लोग ने पढ़ा होगा डेटा टाइप्स, INT, फ्लोट, कैर पढ़े होंगे। यहाँ पे हमको अभी तक कोई भी प्रकार के डेटा टाइप्स की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे A=10। क्या लिखेंगे दोस्तों? A=10 और लिखने के बाद सीधे इसको सिंपली प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट, हम यहाँ प्रिंट में गए, ए लिखा हमने यहाँ पे ए लिखा और ए को प्रिंट करने के बाद यहाँ से रन करा दिया। दोस्तों देखिए ये खुला है टर्मिनल और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम का जो ए कमांड 10 है वो आ रहा है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए आपने ए लिखा 10, फिर यहाँ पे आप कॉमा लगा के B=20 लिख देंगे। दोस्तों B=20 क्या लिख दिया आपने, 20, और आप इसको रन कराएंगे तो हमारे ख्याल से ये एरर देगा। क्यों दिया? क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी पीछे पढ़ाया हुआ है कि जब हम लोग वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो पाइथन में थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं। हम यहाँ पे कॉमा ना लगा के क्या लगाएं, सेमी कोलन लगाएंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे सेपरेटर के रूप में यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने रन कराया तो ए का मान तो 10 मिल गया। बी को हमने प्रिंट नहीं कराया है तो मैं कॉमा लगा के यहीं पे बी का मान प्रिंट करा देता हूं। दोस्तों यहाँ पे मैंने बी का मान प्रिंट करा दिया और देखते हैं। देखिए दोस्तों, ए का मान 10, बी का मान 20। क्लियर है? इस तरीके से आप वैल्यू को असाइन करेंगे। एक और तरीका हमारे पास है कि आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे लिखिए A, B = अब यहाँ पे 10। अब देखिए पहली वैल्यू जाएगी ए में, दूसरी जाएगी बी में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी 10 दे रहा है, 20 दे रहा है। मैं यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया हूं दोस्तों, और यहाँ पे ए का मान और बी का मान। क्लियर? आइए, ए का मान 10, ये देखिए ए का मान 10, बी का मान 20। क्लियर है? तो दो तरीका बताया मैंने वैल्यू को असाइन करने का। अब देखिए दोस्तों और तरीका क्या है। अब देखिए, अगर आप वैल्यू को रन टाइम पे इनपुट लेना चाहते हैं, मतलब कंसोल की बात हम कर रहे हैं कि ये तो ऑलवेज 10-20 ही देगा, अगर मुझे वैल्यू क्या करना है, रन टाइम पे इनपुट लेनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए मैंने लिखा NUMBER, नंबर इक्वल टू, क्या है तरीका, इनपुट फंक्शन पढ़ाया हुआ है हमने। अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ाया तो मेरे वीडियो को देखिए। इनपुट फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लीज इंटर द नंबर।
और फिर हमने क्या कर दिया, प्रिंट इसका मान नंबर, मैंने क्या कर दिया नंबर को प्रिंट करा दिया। दोस्तों आइए चलते हैं, क्या कह रहा है, प्लीज इंटर द नंबर, मैंने 10 दिया और आपको 10 प्रिंट करके दे दिया। दोस्तों एक और एक चीज आपको और दिखाता हूं मैं, अभी अभी आपको डाउट नहीं हो रहा होगा, अभी कुछ देर बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। आइए लिखते हैं, लिखा यहाँ पे नम इक्वल टू सेम वर्क डन कर रहा हूं, इंटर न्यू नंबर नंबर लिखा आपने, और अब क्या कर लें, इसको भी हम प्रिंट करा दें, प्रिंट NUME, और मैं एक काम और कर रहा हूं, मैंने लिखा प्रिंट इसका मान, प्रिंट NUM नंबर प्लस NUM, ठीक है। आइए इसको मैं रन कराता हूं, क्या कह रहा है, 10 एक दिया मैंने, यहां पे मैंने क्या 1 दिया और यहां पे 2 दिया, 1 और 2 12 उसने कॉन्केट कर दिया है। अगर ध्यान दीजिए यहां पे तो ये 1 2 3 होना चाहिए, पर उसने कॉन्केट कर दिया। जब उसने कॉन्केट कर दिया तो क्यों कर दिया ऐसा, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि इनपुट फंक्शन जो रिटर्न करता है वो क्या करता है, स्ट्रिंग करता है। तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको INT लिखना पड़ेगा और यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके वैल्यू आपकी इंटीजर में कन्वर्ट होगी। सेम काम आपको यहां भी करना है, जहां पे आप इनपुट दे रहे हो दोस्तों वहीं पे जाके आपको INT लिख देना है, INT और आपका यहां ब्रैकेट क्लोज। आइए मैं रन करा रहा हूं, आइए पहला नंबर दिया मैंने यहां पे 12 13, क्लियर है। तो पहला जो वैल्यू है 12 वो आपने 12 दिया है, दूसरा 13 दिया प्रिंट कर रहा है, और दोनों का सम 25, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको कंसोल बताया, प्रिंट फंक्शन बताया, वैल्यू कैसे असाइन की जाती है दोस्तों ये बताया। दोस्तों इसी को लेके एक प्रोग्राम बनाया था मैंने, मैं इसी को यहाँ पे फिर से कॉपी कर दे रहा हूं, और ये प्रोग्राम मेरा इफ फंक्शन का है। देखिए यहां पे हमने क्या किया, a इक्वल टू INT लिखा है, ये आप लोग जानते हो क्या है, रिमाइंडर देगा, a को 2 से डिवाइड किया, अगर वैल्यू 0 के बराबर है तो दोस्तों क्या देगा, 0 है तब वो इसके अंदर जाएगा। ये नेस्टेड इफ का प्रोग्राम है, ये नेस्टेड इफ का प्रोग्राम है, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे, मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं अभी। यहां पे देखिए, अगर आपने एक नंबर लिया उसको 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे आप ये चेक कर सकते हो कि वो इवन है या ऑड। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो गया तो क्या नंबर, क्या मतलब हुआ कि नंबर इवन है, नंबर इज इवन, क्लियर, अदरवाइज नंबर इज ऑड, क्लियर ऑड, क्लियर। आइए इसको रन करा लेता हूं, कह रहा है प्लीज इंटर द नंबर यू वांट टू चेक, मैंने दिया 7, 7 इज व्हाट, 7 इज ऑड नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो यहां पे जब वो नंबर को डिवाइड करके चेक किया तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं मिला दोस्तों, इसलिए इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट ना होके कहां गया, एल्स में गया, एल्स में गया, और यहां पे आपको क्या बता रहा है, नंबर इज ऑड। दोस्तों यहां पे एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, यहां पे टैब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप एरर ट्रेस नहीं कर पाओगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 ऐसे दे दिया, सपोज करिए आपने यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया और इसको रन कराएंगे, आपने दिया 7, यहाँ पे दे दिया 9 और आउटपुट नंबर इज ऑड, क्लियर है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो लिख रहे हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए, क्योंकि यहाँ पे वो काउंट करता है कि आपने पहले 2 स्पेस दिया, बाद में 2 स्पेस दिया कि नहीं दिया, तो वो स्पेस के आधार पे ही क्या करता है, पैरेंथेसाइज करता है कि कौन सा कंटेंट किस ब्लॉक में जा रहा है,
क्लियर, अदरवाइज आपको एरर दे सकता है। अभी मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा लॉन्ग करूंगा, जब मैं नेस्टेड इफ एल्स की बात करूंगा तो वहां पे आपको ये डाउट क्लियर कर दूंगा कि दो स्पेस, स्पेस काउंट करता है कि कितना स्पेस उसने दिया है, अगर आपने एक स्पेस दिया तो वो एक स्पेस से क्लोज होगा। घबराइए नहीं, मैं आगे प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक, ये तो आपका सिंपल इफ एल्स हो गया। अब मैं इसी प्रोग्राम को, जो मेरा पहले प्रोग्राम था, देखिए दोस्तों ये क्या है, नेस्टेड इफ है। यहाँ पे क्या किया, इफ के अंदर मैंने एक को दो से डिवाइड किया और एक को पांच से भी डिवाइड किया, मतलब एक को पहले दो से डिवाइड किया फिर पांच से डिवाइड किया, और ये कहना चाहता हूं कि नंबर इज डिविजिबल बाई फाइव। अगर वो नंबर दो से भी डिवाइड हो जा रहा है, पांच से भी हो जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि वो नंबर अगर दो से भी डिविजिबल है और पांच से है, दोनों से है, तो डेफिनेटली वो टेन से डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है मेरी बात, अगर वो नंबर दो से डिविजिबल है, वो नंबर पांच से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाई, मैं लिख दिया टी डब्ल्यू टू एंड फाइव। क्लियर, एल्स नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई फाइव। अगर वो नंबर दो से तो हो गया किंतु फाइव से नहीं होगा, तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई फाइव। और यहां पे गया नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई टू। आइए इसको रन कराता हूं। कह रहा है इंटर द नंबर विच यू वॉन्ट टू चेक, मैंने दिया सिक्स, सिक्स इज डिविजिबल बाई टू बट नॉट फाइव। आइए रन कराया, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई फाइव, मतलब यहां पे तो वो गया टू में तो गया पर बट फाइव में नहीं गया। क्लियर, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही गया इफ में ना जाके एल्स में गया है। तो दोस्तों ये इफ एल्स का प्रोग्राम है, और एक प्रोग्राम इसको फिर से रन कराते हैं, एक बार और रन कराता हूं। मैंने यहाँ पे दे दिया इस बार थ्री। क्लियर, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई टू, मतलब दोस्तों यहाँ पे जब उसने चेक किया तो वो फिर डिविजिबल नहीं हुआ, अब कहाँ चला गया, एल्स में, और एल्स में जाकर वो क्या बता रहा है कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई टू। तो दोस्तों आपको कुछ प्रोग्रामिंग समझ में आ रही होगी, इफ मैंने पढ़ाया हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं, कोई डाउट होगा, कोई समस्या होगी तो दोस्तों आप उसको कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं इफ को पढ़ाऊंगा, आप फिर से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों, आप घबराइए नहीं, धीरे धीरे प्रोग्राम को समझिए, मेरे वीडियोस को देखिए, प्रोग्राम को रन कराइए। अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो पे कमेंट करिए, कमेंट करने पे मैं आपको उसके सोल्यूशन जरूर दूंगा, क्योंकि दोस्तों पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो इस टाइम मोस्ट पॉपुलर है, डिमांडेड लैंग्वेज है मार्केट में, जो हर तरफ हर जगह यूज हो रही है, और इसका बहुत ज्यादा यूज कहां मिलेगा दोस्तों, बिग डेटा में। डेटा साइंस इस टाइम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो डेटा साइंस में इसका बहुत यूज है। अभी हम बहुत एलिमेंट्री नॉलेज चल रहा है, अभी हम एलिमेंट्री नॉलेज के हिसाब से आपको बेसिक्स पढ़ा रहे हैं दोस्तों। बेस जितना मजबूत होगा, आगे कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होंगे, और आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है, आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन प्रेस कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी चीजों के लिए मिलेंगे कल, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।